चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर हमारा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सो so, पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप yes, okay. yes, है आप लोगों तक यस सर ओके ठीक तो सबसे पहला टॉपिक बनता है बच्चों पहला जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का जिसका नाम है डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी चलिए पढ़िए समर्थ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक पार्ट ऑफ अवर नेचर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी यूज इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट ऑफ एवरी डे फॉर एग्जाम्पल इन लाइटनिंग ही रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पावर इलेक्ट्रो मैगनेट्स पावर कंप्यूटर्स पावर टेलीविजन पावर पम्प पावर आवर व्हीकल्स चार्ज एग्जैक्टली तो बेटा सबसे पहले मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी इज द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आप लोग लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है इलेक्ट्रिसिटी इज द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पावर यूजेबल अप्लायसेस जो हमारे अप्लायसेस को पावर देती है उनको और स्टार्ट करती है समझ गया ना तो इलेक्ट्रिसिटी इज द कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्लियर बच्चों yes, चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है बच्चों चार्ज से तो चार्ज क्या है चार्ज एक बहुत अच्छी चीज है बच्चों चार्ज के बारे में बहुत कुछ बताना चाहिए चार्ज के बारे में बहुत कुछ कहना चाहिए चलिए तो चार्ज से स्टार्ट करते हैं कि चार्ज होता क्या है ठीक ना तो अब से मैं पूछूंगा चार्ज क्या होता है तो आप कहेंगे सर चार्ज इज अ पार्टिकल आप ये कहेंगे कि, कि चार्ज तो तो समझो कि पार्टिकल पे चार्ज आता है कि चार्ज पे पार्टिकल आता है भाई चार्ज किस पे आएगा पार्टिकल पे चार्ज आएगा कोई पार्टिकल है वो चार्ज को गेन कर लेगा तो पार्टिकल क्या था? था, था? था। था था? था। जो वो कैसा मतलब बोलो आया बच्चों समझ में? Yes, सर। अगर उस न्यूट्रल पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन लुटा दिए अगर उस इलेक्ट्रिकल पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन लुटा दिए मतलब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से जो पार्टिकल बन जाएगा वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा मतलब पार्टिकल वही था पार्टिकल ने चार्ज अटेन किया है चार्ज प्राप्त किया है समझ गए ना सो वॉट इज चार्ज चार्ज इज नॉट अ पार्टिकल चार्ज इज अ प्रॉपर्टी अटेंड बाय एनी पार्टिकल एनी मास एनी मैटर सो व्हाट इज चार्ज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी is a property okay charge is a property attained by a particle particle or you can say or gained by a particle by a particle okay by electronic disbalance disbalance हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस से कोई पार्टिकल जो प्रॉपर्टी अटेन करता है उसको बेस्ट आप कहेंगे कि वो पार्टिकल जो है वो चार्ज चार्ज्ड हो जाएगा ओके सो व्हाट इज चार्ज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी चार्ज इज अ प्रॉपर्टी अटेन्ड बाय अ पार्टिकल गेंड बाय अ पार्टिकल बाय इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस तो अब ये जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल था अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो आप कहेंगे अब ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल पार्टिकल जो था नाउ इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेकेंड केस अगर कोई पार्टिकल जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है ओके okay, तो यदि यह पी था तो यह बन जाएगा पी प्लस और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा सो so यह बन जाएगा पी माइनस अब यह कहलाएगा दिस पार्टिकल इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ओके तो आपको समझ में आ चुका है कि जो चार्ज का लेन देन होता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है तो जैसे कि कोई पार्टिकल पी था सर, हाँ बेटा सर जैसे मिस्ट्री में पढ़ा है कि जो मतलब चार्ज गेन या लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करता है हाँ फिर तो इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस क्यों बोल देते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस देखो आ, जैसे कि ओरिजिनली क्या था उसको डिसबैलेंस क्यों बोलते हैं जैसे देखो जैसे आप बात कर लो सोडियम मेटल की दिस सोडियम सोडियम मेटल बेटा का एटॉमिक नंबर आप जानते होंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है कि नहीं होता हाँ सर मतलब सोडियम के सेंटर में इलेवन प्रोटॉन है डूबो बैठ जाओ सीधे से सोडियम के सेंटर में इलेवन प्रोटॉन है मतलब इलेवन पॉजिटिव पार्टिकल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ये पॉजिटिव के जो है सो, सोडियम के पास में जो है टोटल जो हैं कितने पार्टिकल हैं यहाँ पर एलेवन प्रोटॉन्स हैं एलेवन पॉजिटिव पार्टिकल हैं और एलेवन प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एलेवन इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं जिसमें फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं सेकेंड शेल में फिर एट इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम ऑक्यूपाई एट का है One, two, three, four, five, six, seven, तो कॉमा और कितना आएगा One, बन जाएगा थर्ड शेल जो बहुत बड़ी शेल होती है उस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बोलो क्लियर है बात बेटा क्लियर है हाँ, सर। yes, मतलब एलेवन प्रोटॉन टाइटली पकड़ के रखे हैं किसको एलेवन इलेक्ट्रॉन को ये देखो ये काले काले पार्टिकल जो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के हैं मगर अब देखिए अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी शेल को छोड़ करके चला जाएगा ये छोड़ करके चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो अब क्या आंकड़ा बन गया अब 11 तो प्रोटॉन हैं बट उसके बदले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं डस इलेक्ट्रॉन है तो बताओ बेटा ये बैलेंस है कि डिसबैलेंस है डिसबैलेंस हाँ है ना सर मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। वेल, well, अगर आप बात करते हो स्टेबिलिटी के मामले में तो ये तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक, एक, एक करके उसके ऊपर प्लस आ गया और याद रखना कि आयंस कभी बैलेंस तो होते ही नहीं है आयंस तो बहुत मूवेबल स्पीसीज होती है भटकती हुई आत्मा होती हैं तो एन का अभी इसने एन ए प्लस ने दस इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट तो गेन कर लिया है मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एन प्लस की फॉर्म में जिंदगी बिताएगा नहीं बिताएगा एन प्लस हुआ है मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है उसके साथ ही बॉन्ड भी बनाएगा तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेगी और इसके साथ बॉन्ड बनाएगी समझे यस yes, सर हाँ मतलब एन ए प्लस हो करके इसका काम खत्म नहीं हो रहा है इसका काम इसकी जिंदगी तब सवरेगी जब इसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो क्लोरीन को अटैच करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ता है और खुद के ऊपर कौन सा चार्ज लाता है प्लस और क्लोरीन के ऊपर रहता है माइनस तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड तो आपने देखा ग्यारह प्रोटॉन है दस इलेक्ट्रॉन है मतलब पॉजिटिव पार्टिकल ग्यारह और निगेटिव पार्टिकल टेन तो भैया दस प्लस से दस माइनस तो हो जाएंगे बट एक प्लस तब भी बचा रहेगा क्योंकि ग्यारह प्लस हैं और टेन माइनस हैं तो दस के प्लस से दस के माइनस तो वैलेंस हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे मगर स्टिल एक पार्टिकल बचा इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आता है एनए प्लस वन चाहे इसको आप एनए प्लस लिखें या एन ए प्लस वन लिखें बात बराबर है बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एनी yes, प्रॉब्लम yes, तो बच्चों ये आपका कहला गया है सोडियम आयन इस तरीके से सोडियम आयन की फॉर्मेशन हुआ करती है तो मैं क्या कह रहा था कि जो चार्ज होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही लेन देन हुआ करते हैं आइए देखते हैं जैसे ये दो बॉडी है ए और एक बॉडी है बी ये एक बॉडी है ए ये एक बॉडी है बी एक बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया B के ऊपर चार्ज कितना आएगा B माइनस हो जाएगी और A प्लस हो जाएगा मतलब A के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और B के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ठीक है? तो इसका चार्ज कितना इस अब अगर A ने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो B के ऊपर का चार्ज कितना हो गया माइनस टू और A के ऊपर चार्ज कितना हो गया प्लस टू ए ने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए के ऊपर चार्ज हो गया प्लस थ्री और बी ऊपर चार्ज कितना हो गया माइनस थ्री बोलो क्लियर हुआ ये यस सर ओके अब देखो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म जाया करते हैं जैसे इसके पास कमी आ रही है और इसके पास बढ़ रहा है तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बच्चों याद करो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लो कॉपी में 10 की पावर नोट कर लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डन बेटा अगर मैं बात करूं, yes. इसको इसको बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो अगर इसके ऊपर चार्ज की मैं बात करूं B के माइनस का चार्ज कितना हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर खुद का चार्ज लेके आएगा मतलब नेगेटिव पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कुलम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब निगेटिव का चार्ज टू टाइम्स दो इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर के आएगा वन पॉइंट सिक्स की पावर माइनस नाइनटीन इधर पे कितने आए हैं थ्री आए हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का थ्री क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस बढ़ता जाएगा माइनस का थ्री एंड की पावर बोलो बेटा ये सो यू कैन राइट माइनस वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस थ्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है केस यहां पर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे प्लस वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे प्लस टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसको लिखोगे प्लस थ्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बच्चों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो yes, तो इस तरीके से अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए एन इलेक्ट्रॉन की तो ए के ऊपर अगर प्लस एन चार्ज है तो आप क्या कहोगे इसका टोटल चार्ज प्लस एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और बी के ऊपर अगर माइनस एन इलेक्ट्रॉन कूद करके गए हैं तो माइनस एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ध्यान से देखो मतलब किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के लेन-देन से बनता है मतलब किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल चार्ज का मल्टीप्लायर होगा प्लस या माइनस q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई समझ में आया कि नहीं आया यस yes, सर मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मल्टीपल होगा आप कहोगे किसी बॉडी पर चार्ज कितना है फोर इलेक्ट्रॉन है या उस पर चार्ज है फाइव इलेक्ट्रॉन माइनस का फोर इलेक्ट्रॉन माइनस का फाइव इलेक्ट्रॉन आप ये नहीं कह सकते कि साढ़े चार इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा तो चार जाएंगे या पांच ही जाएंगे सामने वाली बॉडी में ऐसा नहीं कि चार के बाद आधा इलेक्ट्रॉन और चला जाए समझ में आया ना इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट फॉर्म में होता है क्लियर क्लियर यस यस तो बच्चों लिख लो कॉपी में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड वॉट दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सर कैन यू रिपीट द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी युवराज पानी भर के लेके आया दो बार बोल चुका द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मीन्स कंप्लीट मल्टीपल किसका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डन सर ओके सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन दिस थिंग इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। लाइक आप साबुन का पैकेट लेने जाती हो स्वास्थ्य ग्रॉसरी स्टोर में साबुन yes, का पैकेट लेने जाते हैं तो या तो एक साबुन मिलेगा या दो साबुन मिलेगा हाँ या ना कभी आपको वन yes, साबुन नहीं मिलेंगे है ना यस सो लाइक दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज मतलब बंडल फॉर्म में जो चीजें आती हैं पैकेट फॉर्म में उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज फॉर्म सो व्हाट इज चार्ज चार्ज इज द प्रॉपर्टी चार्ज जो होती है प्रॉपर्टी होती है कोई बॉडी अटेन करती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस की वजह से चार्ज जो होती है प्रॉपर्टी बॉडी अटेन क्या करती है और आपको डेफिनेशन तमाम मिलेंगी बट कोई भी डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है चार्ज इज अ प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय एनी मटेरियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस समझ में आया like yes, चलिए बात करते हैं। पढ़िए। न्यूट्रॉन्सार्जेस्ड बाय प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज वाइल दोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन वाज द ठीक no charge. like है क्लियर हो गया? Yes, yes. So, ये जो है आपके पास ये चार्ज की डेफिनेशन हो गई ठीक है ना <coughs> चलिए बेटा इसको उधर वाले में लगा दे निकाल करके ये लो लेके चले जाओ चलिए बच्चों ये हो गया अब बात करते हैं कंडक्टर से इंसुलेटर की कंडक्टर क्या होते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं आइए डिस्कस करते हैं कि वाटर कंडक्टर एंड इंसुलेटर वेरी सिंपल बच्चों कंडक्टर का मतलब क्या होता है एक मिनट इसको थोड़ा मैं अलग कर दूं कंडक्टर का मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं बच्चों कंडक्टर जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मेटल जितने तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये कोई भी मेटल है ओके तो उनके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो भागने दौड़ने के लिए रेडी रहते हैं बच्चों इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल मैंने सोडियम की बात करी तो सोडियम में अभी आपने देखा था कि जो इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकलने के लिए बहुत रेडियली था सो तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन और इसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी बनाने में पार्टिसिपेट करता है इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आया कि नहीं आया हाँ सर चलिए ये, सर। ये सर। यस, यस तो ये दिस इज कंडक्टर इंसुलेटर जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते कहीं मूव नहीं कर पाते बेचारे उनको बोलते हैं इंसुलेटर पढ़ो स्वास्थ्य कंडक्टर्स तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं तो बेचारे कहा से मूव कर पाएंगे अब आइए हम बात करते हैं की इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करेंट क्या हुआ करता है ठीक ना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है आइए देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की बात ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास में आपके पास में एक पानी का पाइप है ये पानी का पाइप आपके पास में भरा हुआ है ठीक ना अब इस पानी के पाइप में आप जो है पानी भरा हुआ है इसके अंदर लेफ्ट टू राइट पूरे में पानी भरा हुआ है और अब आप यहां पर लगाते हैं मोटर इस पानी के पाइप से आप जो है यहाँ मोटर कनेक्ट कर देते हैं चलिए अब बताइए अगर मोटर जो है मोटर जैसे ही ऑन होगी तो इस पानी के पाइप से मोटर जो है पानी फेंकने लगेगी और पानी जो है बाहर की तरफ रश आउट करके निकलेगा ओके अगर आप कम वोल्टेज की मोटर लगाओगे तो पानी धीरे से निकलेगा अगर ज़्यादा वोल्टेज की मोटर लगाओगे तो पानी बहुत ज़ोर से निकलेगा तो ये जो पानी है होता है जिस तरीके से पानी मूव करता है ऐसे ही कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किया करते हैं कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्यों मूव करते हैं जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी का एक टर्मिनल होता है प्लस एक टर्मिनल होता है माइनस तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं कंडक्टर के अंदर वो सब सब पॉजिटिव पार्टिकल पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल की तरह इसकी तरफ दौड़ लगा करके बड़ी तेजी से सिर मारते हुए रश आउट किया करते हैं यस अब अगर आप यहां पर तीन वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आराम आराम से अगर आप, चार की लगाओगे, अगर आप पांच की लगाओगे तो ये प्लस उतना बड़ा होता जाएगा और उसके बड़े होने से ये लालच उतना हैवी होता जाएगा और ये लोग और तेजी से जाएंगे ठीक है ना तो इन इलेक्ट्रॉन्स के इन चार्जेस के चलने की रेट को भाग रहे हैं इनके मूव मूव करने की रेट को हम क्या बोलते हैं Current। जैसे आपके पास दो सिचुएशन है आप पानी सटक का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं पाइप का तो वन केस की पानी मद्दा मद्दा आ रहा होता है एक केस है दूसरा बहुत तेज से आ रहा होता है बड़ी तेज से स्पेशली वो देखा होगा अपने गाड़ी धोने वाला सटक उससे पानी बहुत तेजी से निकलता है तो दोनों में फर्क क्या है यहां की रेट स्लो है रेट कम है और यहाँ पे पानी की रेट हाई है मतलब यहां पर करेंट ज्यादा होगा और यहां पर करेंट कम होगा याद रखना मैं वाटर करेंट की बात कर रहा हूं मैं वाटर करेंट की बात कर रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रिक करेंट मत मान लेना तो ऐसे ही अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तेजी से आएंगे कम समय में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दैट इज करेंट हाई है और कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब करेंट लो है क्लियर डन चलिए पढ़ो इलेक्ट्रिक पढ़िए इलेक्ट्रिक करेंट स्वाति द फ्लो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई स्मॉल आई इलेक्ट्रिक करेंट इज expressed by the rate of flow of electric charges rate of flow means the amount of charge flowing through a particular area in unit time if a net charge net electric charge flows through a cross section of any matter in time t then electric current is equal to net charge by time which is i is equal to q by t यस ओके सो देखिए अगर आपके पास कहीं पर चार्ज Q है और टी टाइम में अगर Q चार्ज फ्लो होता है ओके okay? Q चार्ज है ना अगर टी टाइम में फ्लो होता है तो आप लिख सकते हैं कि टी टाइम में फ्लो होता है कितना चार्ज Q चार्ज तो टी सेकेंड में अगर यूनिट चार्ज Q चार्ज फ्लो होता है तो वन सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा Q बाई टी एक सेकेंड में जो चार्ज की अमाउंट फ्लो होती है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी नोट कर लीजिए आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया क्यू इक्वल्स टू कितना होता है एन ई सो आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी डन आ गया समझ में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो चार्ज के फ्लो का रेट समर्थ क्लियर ओके yes, यस okay, yes, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा डिफाइन वन एम्पियर एक वन एम्पियर आपको बताना है सो देखिए आई इक्वल्स टू क्यूबाई टी से आपके पास क्या है फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यूब आई टी ओके अगर आप क्यू को ले लें वन कूलम और टाइम को ले लें वन सेकेंड इसका मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज पास आउट हो रहा है वन कुलम चार्ज जो है निकल जाता है तो अगर किसी सेक्शन से अगर किसी क्रॉस सेक्शन से मतलब कोई जैसे वो जंगल जंगल बोल रहा हूँ सर्कस में जो रिंग होती है अगर किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में एक कुलाम चार्ज आर पार हो जाए तो उस यहां से चला था वन कुलाम, यहाँ बाहर हो गया वन कुलाम, कितने सेकंड में वन सेकंड में तो इसका मतलब इस सेक्शन से जो फ्लो होगी करंट वो कितने एम्पियर की होगी वन एम्पियर की आई बात समझ में Yes, so, sir. Yes. If one coulomb charge pass through any cross section in one second, then that amount of current will be one ampere. Read it SI unit. The SI unit of electric current is ampere. One ampere is equals to one coulomb by one second. Mm -hmm. If positive charge flows, direction of electric current is same as direction of flow of current. Mm -hmm. If negative charge flows, direction of electric current is opposite to, डायरेक्शन ऑफ़ फ्लो ऑफ चार्ज एक्जैक्टली ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट पॉजिटिव चार्ज यदि इधर मूव कर रहा है लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो करेंट भी लेफ्ट साइड होगी मगर यदि नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट होती है मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यस पढ़ो इलेक्ट्रिक करेंट कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक in position. फ्लो इंसुलेटर बिकॉज इन एंड possible होते ही नहीं है तो उसको हम बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर uh, में कभी करंट पॉसिबल है ही नहीं अब आइए बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत बढ़िया चीज है पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा मीनिंग क्या है बेटा एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस जीवन में आगे बढ़ने के लिए लालच बहुत जरूरी है अगर लालच नहीं होगा तो कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा उसी को लालच बोलते हैं उसी को मोटिवेशन बोलते हैं समझ गए ना अगर पॉजिटिव री की बात की जाए पॉजिटिव वाले लालच की बात कर जाए तो वही मोटिवेशन है और अगर नेगेटिव वाले री की बात कर दी जाए लालच की तो वो लालच कहलाता है, है ना तो वैसे और हम लोग इसको पॉजिटिव लालच को मोटिवेशन बोलते हैं तो अब कैसे जैसे क्यों जरूरी है लालच आपके पास में एक प्लेन कोई बर्तन है कुछ भी है कोई पाइप है आपके प्लास में कोई प्लेन पाइप है और आपने इस पाइप के भीतर पानी भर रखा है लाइक like आपके पास पानी भर रखा है ओके okay? पाइप काफी लंबा है मैं आपको इतना सा पार्ट बस इसका दिखा रहा हूं जितने में पानी भरा हुआ है पाइप बहुत लंबा है उतने में पानी भरा है भरा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं बट बीच में कुछ पार्ट है उसमें पानी भरा हुआ है अब इधर का पानी ना इधर जा रहा है ना इधर का पानी इधर जा रहा है क्यों क्योंकि जितना एनर्जी का लेवल यहाँ पर है E1 और जितना एनर्जी का लेवल है यहाँ पर E2 दोनों बराबर हैं मतलब E1 वन इक्वल्स टू ई बट आपने क्या किया आपने सडनली पाइप को टेढ़ा किया आपने पाइप को टेढ़ा किया तो जैसे पाइप को आपने टेढ़ा किया अब दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाले हाइट ज्यादा है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसकी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका लेवल कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये हाइट एच वन हैच टू है फिजिक्स में पढ़ कर के आए हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी हाइट कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है गिर जाएगा ये कुछ बात ऐसी ही समझ लो कि जैसे आपके पास में कोई कोई चीज़ प्लेन रखी हुई है मतलब किसी बर्तन में आपने कुछ रख करके बैठे हुए हो जैसे आप उस बर्तन को टेढ़े करते हो तो उस बर्तन के ऊपर से बॉल वगैरह जो भी है वो नीचे गिरने लगती है क्यों क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा यहाँ एनर्जी हाई है और यहाँ पर एनर्जी लो है जी हाँ मतलब दुनिया के पार्टिकल्स जो होते हैं नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाया करते हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ एनर्जी मतलब हाई पोटेंशियल मतलब लो एनर्जी मतलब बच्चों लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो होती हैं चीजें चला करती हैं तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अब आइए बात करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये मान लीजिए ये आपके पास कंडक्टर है इस कंडक्टर के अंदर कौन है इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हैं जैसे सोडियम है तो सोडियम की लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन अभी उसकी शेल में है तो ये है अभी टोटली totally फ्री नहीं हुए बाहर तो हैं मगर अपने घर को नहीं छोड़ा इन लोगों ने और करंट कब फ्लो होगी जब घर को छोड़ आएंगे तब करंट फ्लो होगी तो ये मान लो ये इसके अंदर ये सोडियम है और ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अगला सोडियम का ये है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है यस क्या होगा वाइब्रेट करते रहेंगे अपनी जगह पर बैठ कर गुड़ 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 आगे पीछे होते रहेंगे क्योंकि आपने इनको कुछ लालच नहीं दिया है बट जैसे ही आप इसको लालच देते हो क्या लगाया लालच के लिए एक तरफ लगाया प्लस और एक तरफ लगाया माइनस तो जैसे ही आपने इसको लालच दिया इस वाले टर्मिनल को भी प्लस कर देगा ये और ये प्लस देख करके ये इसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा तो आपने यहाँ पर जो लगाया है उसके लगाने की वजह से क्या सेट हुआ है उसके लगाने की वजह से इनके अंदर एनर्जी आई है इनको पता चला कि प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है तो ये जो आपने लगाया है जो भी कुछ लगाया है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यस इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ये वो दबाव है जिसकी वजह से ये वो दबाव है या ये वो लालच है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं ओके okay? द डिफरेंस इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर वॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्किट में मूव किया करते हैं इसको हम बोलते हैं आपका इसको हम बोलते हैं बेटा टेंस कर ले कंप्लीट इसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है चलिए सो वॉट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर वो धक्का वो लालच जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलता है ठीक है ना वो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ये तो फीलिंग वाली बात हो गई अब नॉर्मली कैसे बात करेंगे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉइंट से चलता है इसका नाम है ए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है इसका नाम है बी ओके okay? ये देखो भैया यहां से चार्ज चला Q ए से लेके बी तक चला ओके okay? अब चार्ज जब यहां से लेके यहां तक चलेगा तो कुछ अपनी एनर्जी चलने में वेस्ट करेगा मान लो W है तो Q चार्ज ए से लेके बी के बीच में चलने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करा W तो यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी खर्च करेगा W बाई क्यू इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू ओके वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट वॉट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन लिख लो बच्चों कॉपी में वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन Two points is called potential difference between those two points. Saman yes, may the work done to move unit charge between two points is called the potential difference between those two points. किसी चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए जो काम होता है उसको उन दो चार्जों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अगर ज्यादा काम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा अगर कम काम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा इसकी यूनिट लिख लो वर्क को किस में नापती पूरी दुनिया जूल में नापती है चार्ज को किस में नापती कूलाम में एंड जूल पर कूलाम इज कॉल्ड वोल्ट जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं ठीक है ओके तो yes, बच्चों ठीक है ना समझ में आ गया अच्छे से नहीं आया चलो पढ़ो स्वास्थ्य पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ए एंड बी इज इक्वल्स वर्क डन बाय चार्ज वन वोल्ट इज द One volt is the potential difference between two points if one joule of work has to be done in taking one charge, one coulomb charge from one point to another. One volt is equals one joule upon one sec, one coulomb. Yes. As water flows from high level or to low level, similarly electric current. From high potential to low potential. Exactly. तो अभी मैंने बताया कि जैसे वाटर जो होता है से लो लेवल जाता है उसी तरीके से करेंट जो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल किया करती है ओके okay, यदि हम बात कर दें यहाँ पर डिफाइन करने की वन जूल को तो कैसे डिफाइन करोगे अगर एक चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़े वन जूल जो चार्ज आप यूज कर रहे हो वो कौन है वन कुलाम सो वन जूल डिवाइडेड बाय वन कुलाम दैट इज इक्वल टू वन वोल्ट तो उन दो चीजों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा वन वोल्ट होगा डन यस यस चलिए तो ठीक है आज की क्लास में यहीं तक फिनिश कराऊंगा मैं और कल अभी अभी आपको मतलब ये सो नहीं जाना है बच्चों अभी आपको क्या करना है वो जो मैंने आंसर शीट भेजी है उससे आपको पूरा चैप्टर जो है आ, आंसर शीट से मैच करिए ठीक है बच्चों यस सर आंसर